दोस्तों, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। इस साल फीचर फिल्म श्रेणी में 305 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया था। ये पुरस्कार साल 2020 के लिए दिए गए हैं। इस बार भी दक्षिण भारतीय फिल्मों का इन पुरस्कारों में दबदबा रहा है। 2020 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 कलाकारों को दिया गया है, सोरा रे पोट्रू तमिल के लिए सूर्या को और ताना जी के लिए अजय देवगन को। लेकिन इन पुरस्कारों में सोरा रे पोट्रू ने बेस्ट फिल्म के अलावा कई कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं। ये फिल्म डेक्कन एयर के संस्थापक जीआर गोपीनाथ के जीवन पर बनी हुई है। आखिर कौन है जीआर गोपीनाथ, आइए जानते हैं। दोस्तों, जीआर गोपीनाथ का एक बैलगाड़ी हाँकने वाला साधारण सा लड़के से देश की सबसे सस्ती एयरलाइंस का मालिक बनने का सफर बेहद ही रोमांचक है। 1 रुपए में हवाई सफर का सपना दिखाने वाले गोपीनाथ की कहानी पर बनी है फिल्म सोरा रे पोट्रू। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन और बिजनेसमैन जीआर गोपीनाथ का जन्म कर्नाटक के गोरूर गांव में हुआ था। कैप्टन गोपीनाथ का पूरा नाम गोरूर रामास्वामी अयंगर गोपीनाथ है। उनके पिता शिक्षक थे और खेती का काम भी करते थे, वहीं जबकि उनकी माँ गृहिणी थी। कैप्टन गोपीनाथ की शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई। उनका स्कूल में दाखिला सीधे कक्षा 5 में हुआ। उनके घर की हालत अच्छी नहीं थी। गोपीनाथ अपने पिता की मदद के लिए बैलगाड़ी चलाते थे। इसके बाद उनकी आगे की पढ़ाई बीजापुर के सैनिक स्कूल में हुई। स्कूल ने गोपीनाथ को एनडीए में जाने के लिए प्रेरित किया। यही पढ़ाई करते हुए गोपीनाथ ने एनडीए की परीक्षा पास कर ली। पुणे में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद उनकी एनडीए की पढ़ाई पूरी हुई। उसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ग्रेजुएशन पूरा किया। कैप्टन गोपीनाथ ने आर्मी ज्वाइन की और साल 1971-72 में हुई बांग्लादेश की लड़ाई तक आर्मी में रहे। आर्मी में 8 साल बिताने के बाद 28 साल की उम्र में ही उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के बाद गोपीनाथ की लाइफ का असली संघर्ष शुरू हुआ। अपने दोस्तों से मदद लेकर उन्होंने सिल्क की खेती, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मोटरसाइकिल डीलरशिप और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें खास सफलता हासिल नहीं हुई। साल 2000 में कैप्टन गोपीनाथ अमेरिका में छुट्टियां मनाने गए थे। उसी दौरान उन्हें भारत में सस्ती विमान सेवा शुरू करने का ख्याल आया। उनके मन में आम लोगों को सस्ते में हवाई सफर कराने का ख्याल आया। गोपीनाथ को आइडिया आया कि अगर बसों और ट्रेनों में चलने वाले 3 करोड़ लोगों में से सिर्फ 5% लोग हवाई जहाजों में सफर करने लगे तो विमानन बिजनेस को साल में 53 करोड़ उपभोक्ता मिलेंगे। जिसके बाद उन्होंने अपनी एविएशन कंपनी खोलने की सोची। लेकिन विमानन कंपनी खोलने में सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की थी। उन्हें कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उनकी पत्नी ने अपने बैंकिंग बिजनेस से कमाई अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें दे दी। उनके दोस्तों ने भी उन्हें काफ़ी पैसा दिया। उनके परिवार से भी उन्हें कुछ पैसों की मदद मिली। फिर अगस्त 2003 में कैप्टन गोपीनाथ ने 48 सीटों और 2 इंजन वाले 6 फिक्स्ड विंग टर्बोप्रॉम हवाई जहाजों के बेड़े के साथ एयर डेक्कन की स्थापना की। पहली उड़ान दक्षिण भारतीय शहर हुबली से बेंगलुरु रही। गोपीनाथ की एयरलाइंस कंपनी ने डायनेमिक प्राइसिंग व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत पहले टिकट खरीदने वाले कुछ उपभोक्ता मात्र 1 रुपए में यात्रा कर सकते थे। इस व्यवस्था के तहत जो लोग देर से टिकट खरीदते थे उन्हें टिकट की कीमत अधिक देनी होती थी,
जिसके चलते उनके पास बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचे। यात्रा को सस्ता करने के लिए इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, फ्लाइट के दौरान खाना और बिजनेस क्लास सीटिंग जैसे गैर जरूरी सुविधाओं पर खर्च नहीं किया जाता। जब कंपनी शुरू हुई थी उस वक्त केवल 2000 लोग कंपनी के विमानों में हवाई सफर कर रहे थे, लेकिन 4 साल के भीतर ही हर रोज 25,000 लोग सस्ती कीमतों पर हवाई सफर करने लगे। 1 रुपए के टिकट पर करीब 30 लाख लोगों ने हवाई सफर किया। साल 2007 में देश के 67 हवाई अड्डों से एक दिन में इस कंपनी की 380 उड़ानें चलाई जा रही थी और कंपनी के पास 45 विमान हो गए थे। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।